हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हमने पढ़ा प्रोपोगेशन और प्रोपोगेशन में हमने कलम पढ़ लिया था, कलम के बाद में लेयरिंग पढ़ा। आज अपना टॉपिक लेते हैं हम लेयरिंग के बाद में ग्राफ्टिंग। देखो सबसे पहले मैं ग्राफ्टिंग ना पढ़ा के आपको थोड़ा सा एक चीज बताने जा रहा हूँ। पहले आपके पास में आता है ग्राफ्टेज। क्या आता है? ग्राफ्टेज। ग्राफ्टेज का मतलब होता है उपरोप बंधन। ग्राफ्टेज का मतलब क्या होता है? उपरोप बंधन। ग्राफ्टिंग होता है वो होता है उपरोपण, और जो ग्राफ्टेज होता है वो होता है उपरोप बंधन। देखो ग्राफ्टेज होता क्या है, इसे कहते हैं ग्राफ्टेज। तो मूल वृत्त के साथ में, यानी हमारे पास में क्या है, रूट स्ट्रोक है, मूल वृत्त है, आरएस है, उस आरएस के साथ में हम काम में क्या ले रहे हैं, शांकुर शाखा काम में ले रहे हैं। क्या काम में ले रहे हैं? शांकुर शाखा काम में ले रहे हैं, यानी शायन काम में ले रहे हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? ग्राफ्टेज कहलाती है। तो यहां बता दीजिए आप, मूल वृत्त प्लस शांकुर शाखा, साइन के नाम से भी जानते हैं इसको, शांकुर शाखा को साइन के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये चीज आपके पास में आ गई, मूल वृत्त का मतलब क्या होता है? जो जड़ वाला पौधा है, जो जड़ वाला पौधा है वो क्या होगा? मूल वृत्त होगा। और उसके बाद में उसके ऊपर कोई टहनी लगाई जाएगी, कोई शाखा लगाई जाएगी, कोई बड लगाई जाएगी, तो वो क्या होती है? शांकुर शाखा, यानी साइन होती है। इसको हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। एक हमने ले लिया ग्राफ्टिंग, एक तो हमने क्या ले लिया ग्राफ्टिंग, इसको हमने क्या कहा, उपरोपण। एक तो हमने क्या कह दिया, ग्राफ्टिंग, इसको तो हमने कह दिया उपरोपण, और दूसरी हम लेते हैं बडिंग कलिकायन। दूसरा हम क्या लेते हैं, बडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, कलिकायन। इनमें डिफरेंस बताना है तो देखो ग्राफ्टिंग का मतलब होता है आपके पास में आरएस तो आएगा ही आएगा, यानी मूल वृत्त तो आएगा ही आएगा। मूल वृत्त के साथ में आप क्या कर रहे हो, शांकुर शाखा के रूप में कोई परोह का प्रयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कोई परोह का प्रयोग कर रहे हो। वो विधि कौन सी कहलाती है? ग्राफ्टिंग कहलाती है। वो विधि क्या कहलाती है? ग्राफ्टिंग कहलाती है। यदि हम क्या कर रहे हैं, आरएस के साथ में, यानी रूट स्टॉक के साथ में, मूल वृत्त के साथ में कोई कलिका काम में ले रहे हैं, कोई बड काम में ले रहे हैं, क्या काम में ले रहे हैं, कोई कलिका या बड काम में ले रहे हैं, तो उस विधि को हमने क्या कहा, कलिका या बडिंग कहा। आगे समझ में? चलो देखो, सबसे पहले बात की मैंने ग्राफ्टेज की, जिसको हमने क्या कहा, उपरोप बंधन। उपरोप बंधन का मतलब है मूल वृत्त के साथ में हम क्या कर रहे हैं, साइन का यूज कर रहे हैं, शांकुर शाखा का यूज कर रहे हैं। मूल वृत्त क्या होता है? जड़ वाला पौधा होता है, और उसके ऊपर जो चीज लगाई जाती है, जो डाली लगाई जाएगी, जो शाखा लगाई जाएगी, वो शाखा क्या कहलाएगी, शांकुर शाखा कहलाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, इस ग्राफ्टिंग को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक ले लेते हैं ग्राफ्टिंग और दूसरा ले लेते हैं बडिंग। ग्राफ्टिंग को हमने क्या कह दिया, उपरोपण कह दिया, और बडिंग को हमने क्या कह दिया, कलिकायन कह दिया। होता दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो ग्राफ्टिंग है उस ग्राफ्टिंग की क्रिया में रूट स्टॉक ले रहे हैं, रूट स्टॉक के साथ में शांकुर शाखा के रूप में क्या ले रहे हैं, परोह का यूज कर रहे हैं, तो वो तो होता है ग्राफ्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, बडिंग की क्रिया में आरएस के साथ में रूट स्टॉक होता है, रूट स्टॉक के साथ में हम क्या कर रहे हैं, कलिका का यूज कर रहे हैं, तो वो विधि कौन सी कहलाती है, कलिकाएं कहलाती है। अब मैं बात करूंगा ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग की कुछ विधियां हैं, उन विधियों को हमारे को पढ़ना होता है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं, यानी ग्राफ्टिंग को भी हम फिर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अटैच ग्राफ्टिंग और एक डिटैच ग्राफ्टिंग। अटैच, अटैच का मतलब क्या हो रहा है, दो पौधों को आप बिल्कुल अटैच कर रहे हो, ठीक है। तो अटैच की जो ग्राफ्टिंग होती है, इसके अंतर्गत मैं ले लेता हूँ इनार्चिंग या भेट कलम। इनार्चिंग सुना है नाम, आप मैंगो में यूज में लेते हो, या भेट कलम, इनार्चिंग या बेट कलम। देखो जो ये है अटैच, अटैच जो ग्राफ्टिंग, अटैच ग्राफ्टिंग का मतलब दो पौधों को आप आपस में जोड़ रहे हो। जैसे आप नर्सरी है, उस नर्सरी में क्या किया, एक पौधा आपके पास में ये है और दूसरा पौधा आपके पास में ये है, ठीक है। पौधे छोटे हैं और ये क्या हो रहा है, नर्सरी में क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी जिससे हम इसको मिलाएंगे, तो इस पेड़ की छाल इधर से यहाँ से यहाँ तक उतार लेंगे, और इस जो भी ये पेड़ है, इसकी छाल इस यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। नेक्स्ट जो विधि है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो दोनों को आपस में कैसे मिलाएंगे, यानी हमने कर दिया यहाँ पर
ये यहाँ से जहाँ से छाल उतारी थी और इधर से हमने क्या कर दिया, ये दूसरा पौधा ले लिया और यहाँ पर इसको मिला के क्या कर दिया, दोनों को बांध दिया। ये क्या होता है, इनार्चिंग या भेंट कलम होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जहां पर आपने छाल उतार के इनको दोनों में दोनों को आपस में मिलाकर बांधा है, वहां पर क्या होगा, इसमें जुड़ाव हो जाएगा। जुड़ाव होने के बाद में जैसे आपके पास में क्या है, ये मूलग्रंथ वाला पौधा है और ये क्या है आपके पास में, साइन वाला पौधा है। ठीक है, यानी इसका तो हम साइन यूज में लेंगे और इसका हम मूल ग्रंथ यूज में लेंगे। तो मूल ग्रंथ वाले पौधे को तो जो मिलन बिंदु है उस मिलन बिंदु के ऊपर से काट देंगे, आ गया समझ में। और जो साइन वाला पौधा है उस साइन वाले पौधे को मिलन बिंदु के नीचे से काट देंगे और एक स्वतंत्र पौधा हम क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ये क्या होता है, इनार्चिंग या भेंट कलम होती है। ठीक है, इनार्चिंग या भेंट कलम का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंगो में हम इसका मोस्टली यूज करते हैं। आप पढ़ते हो मैंगो के लिए परिवर्तन की विधियां, तो हम एपिकोटाइल पढ़ते हैं, मिलियन ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं, इनार्चिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं मैंगो, इनार्चिंग का यूज हम मैंगो में कर लेते हैं। हम इसका आंवले में भी कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, आंवले में भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसका यूज चीकू में भी कर सकते हैं। लेकिन आप मोस्टली जो एग्जाम्पल बताओगे वो मोस्टली एग्जाम्पल आप कौन सा बताओगे, मैंगो बताओगे, क्योंकि आंवला होता है उसमें बडिंग की विधि ली जाती है, पेच बडिंग यूज में लेते हैं मोस्टली। ठीक है, इनार्चिंग समझ में आ गया। इनार्चिंग के बाद में दूसरे हम क्या कहते हैं, डिटैच ग्राफ्टिंग। डिटैच ग्राफ्टिंग के लिए क्या कहा, यानी दो कोई मिलन नहीं करना है आपको, क्या करना है, अलग अलग दो पौधे लेने हैं, अलग अलग का अलग, एक मूल ग्रंथ वाला पौधा लेना है और एक शंकु शाक वाला पौधा लेना है। तो इसके बाद में जो डिटैच ग्राफ्टिंग है उस डिटैच ग्राफ्टिंग की विधियां देखते हैं। नंबर एक ले लेते हैं साधारण ग्राफ्टिंग। साधारण ग्राफ्टिंग, देखो साधारण ग्राफ्टिंग में क्या करोगे, आप इसमें तिरछा कटा लगाओगे, जैसे ये आपका मूल ग्रंथ वाला पौधा आ गया, ठीक है, और ये आपके शंकु शाखा का वाला पौधा, यानी आपने कोई भी पर्वत काम ले लिया, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है। आप क्या करो, इसमें जैसे ये कटान लगा दिया, ठीक है, तिरछा कटान, और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये कटान लगा दिया, सॉरी इधर आ जाएगा ऐसे। अब इनको अपन क्या करेंगे, मिला के बिल्कुल बांध सकते हैं। जैसे मैं इसको एक ही प्लांट के अंदर दर्शा देता हूं, ये लिया था और दूसरा हमने ले लिया ये, ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिला के बांध देंगे। ये क्या हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा और जुड़ाव होने के बाद में क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा या फिर कली जो भी बड़ है, सॉरी बड़ नहीं कह सकते, यहाँ जो भी शाखा है शंकु शाखा, ये क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। तो ये क्या कौन सी आती है अपने पास में, साधारण ग्राफ्टिंग आती है। इसके साथ इसको देखो विहिप ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, विहिप ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको तरासी ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तरासी उपरोपण बोल दो, मैं पहले बता चुका, हमने ग्राफ्टेज को कहा था उपरोप बंधन और ग्राफ्टिंग को कहते हैं उपरोपण। तो साधारण ग्राफ्टिंग नाम दे दिया, विहिप ग्राफ्टिंग नाम दे दिया और तरासी ग्राफ्टिंग या तरासी उपरोपण नाम दे दिया। ठीक है, आगे समझ में, साधारण ग्राफ्टिंग का प्रयोग हम किस किस में करते हैं, तो देखो सेव नाशपाती अखरोट में इसका यूज हम करते हैं। किसमें करते हैं, सेव में करते हैं, नाशपाती में करते हैं और अखरोट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास में कौन सी ग्राफ्टिंग आ गई, साधारण ग्राफ्टिंग आ गई। इसके बाद में नंबर दूसरी हम लेते हैं जीपी ग्राफ्टिंग। नंबर दूसरी कौन सी लेते हैं, जीपी ग्राफ्टिंग, जिसको टंग ग्राफ्टिंग के नाम से, इंग्लिश में टंग, अरे जीभ को हम क्या कहते हैं, टंगी तो बोलते हैं, तो टंग ग्राफ्टिंग, जीपी ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग, कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले साधारण ग्राफ्टिंग के समान क्या करना है, कटान लगाना है, और साधारण ग्राफ्टिंग के समान कटान लगाने के बाद में
आप क्या करोगे, उसमें जीभ के आकार का कटान लगा दोगे। क्या कर दोगे? जीभ का कटान का आकार लगा दोगे, यानी जो मूल ग्रंथ है उस मूल ग्रंथ में तो ऊपर से नीचे की तरफ, मूल ग्रंथ में तो क्या करोगे ऊपर से नीचे की तरफ, और जो शंकु शाखा है उस शंकु शाखा में नीचे से ऊपर की तरफ हमारे को क्या करना होता है, कटान लगाना होता है। यह आपकी कौन सी ग्राफ्टिंग है? जीभी ग्राफ्टिंग। सेम नाशपाती अखरोट में इसका प्रयोग किया जाता है, दोनों सेम चीज आ गई। ठीक है, साधारण ग्राफ्टिंग बता दिया, कटान बिल्कुल क्या करना है, तिरछा कटान लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों को मिला के बांधना है। और जो जीभी ग्राफ्टिंग है, जीभी ग्राफ्टिंग में पहले तो कटान किस आकार का होगा? साधारण ग्राफ्टिंग के समान होगा। किसके समान होगा? साधारण ग्राफ्टिंग के समान होगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो मूल ग्रंथ है उस मूल ग्रंथ में ऊपर से नीचे की तरफ, और जो शंकु शाखा है उस शंकु शाखा में नीचे से ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, कटान लगाना है। ठीक है, जीभ के आकार का। ये तो आगे आपके साथ जीभी ग्राफ्टिंग। उसके बाद लेते हैं नंबर तीसरी, वीनियर ग्राफ्टिंग, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर तीन पे लिया वीनियर ग्राफ्टिंग। तीसरी विधि हमारे पास में कौन सी आ गई? वीनियर ग्राफ्टिंग। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आम में परिवर्धन की मुख्य व्यावसायिक विधि। क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, देखो दो क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। आम में परिवर्तन की विधियां कौन कौन सी काम में ली जाती हैं, तो वहां पर आपको बताना है। इनार्चिंग काम में लेते हैं, एपिकोटाइल काम में लेते हैं, और वीनियर ग्राफ्टिंग काम में लेते हैं। एपिकोटाइल को आप स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आम में परिवर्तन की मुख्य व्यावसायिक विधि कौन सी है। मुख्य व्यावसायिक विधि आते ही आपको ओनली और ओनली क्या करना है, वीनियर ग्राफ्टिंग का नाम ही बताना है। ये बात में क्या करूं, यानी वीनियर ग्राफ्टिंग है, उस वीनियर ग्राफ्टिंग में हम जो शंकुर शाखा काम में लेते हैं, उस शंकुर शाखा की उम्र कितनी होनी चाहिए, जो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। वीनियर ग्राफ्टिंग में शंकुर शाखा की उम्र, और ये उम्र होनी चाहिए लगभग 4 माह की। कितने माह की होनी चाहिए? 4 माह की होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो वीनियर ग्राफ्टिंग है, जैसे वीनियर ग्राफ्टिंग में आप कैसी क्रिया करोगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका ये प्लांट है, इस प्लांट में क्या करोगे, एक डलवा आकार का कटान बना देंगे। क्या कर देंगे? एक डलवा आकार का कटान बना देंगे। कहां पर? साइड में, पार्श्व में। तो याद रखना कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कटान पार्श्व में लगाया जाता है, तो आपको बताना है वीनियर ग्राफ्टिंग में लगाया जाता है। उसके बाद में ऐसा ही डलवा कटान का आकार का हमारे को क्या करना है, शंकु शाखा यूज में लेनी है। ठीक है, जैसे ये आपके साथ डलवा आकार का कटान हो गया, इस डलवा कटान को कहां पर पसाना है, इसमें पसाना है। ठीक है, जैसे आपको मैं बताई देता हूं, ऐसे आप क्या कर दोगे, इसको पसा के बांध दोगे यहां से। इसके बाद में आप क्या करो, जब इस शंकु शाखा का अंकुरण हो जाए, तब आपको क्या कर देना है, इसको यहां से काट देना है। यह आपकी कौन सी विधि हो जाती है, वीनियर ग्राफ्टिंग हो जाती है। अब एक चीज जरूर याद रखोगे, हालांकि टोटल में ही मैं साथ ही बता देता हूं, ग्राफ्टिंग में जो उसका मूल ग्रंथ होता है, उस मूल ग्रंथ की लंबाई कितनी रखी जाती है, तो ग्राफ्टिंग की लगभग जो जितनी विधियां हैं उसमें मूल ग्रंथ की लंबाई रखी जाएगी, कितनी? 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसके बाद बात करूं कि ये क्रिया विनय ग्राफ्टिंग की कब की जाती है, तो मार्च से लेके लगभग अगस्त तक आप ये क्रिया कर सकते हो। सर्वोत्तम समय मार्च से अगस्त। कब से कब तक कर सकते हो विनियर ग्राफ्टिंग की क्रिया? मार्च से अगस्त तक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 4, वेज ग्राफ्टिंग। नंबर 4 पे हमारे पास में कौन सा आ गया, वेज ग्राफ्टिंग। कौन सा आ गया? वेज ग्राफ्टिंग, या इसको हिंदी में कहते हैं फन्नी उपरोपण। देखो नाम दोनों आपको याद करने हैं, जरूरी है कि कोई नाम हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, दोनों भी आ सकते हैं। फनी उपरोपण, वेज ग्राफ्टिंग या फनी उपरोपण बिल्कुल सिंपल विधि है, कुछ भी नहीं करना है। ये आपका मूल व्रत है, इस मूल व्रत में आप क्या करोगे, वी आकार का कटान बनाओगे, ऊपर से इसके ऊपर क्या करोगे,
वही 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बराबर से 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्या करोगे, वी आकार का कटान बनाओगे, ऐसा का ऐसा कटान, यानी इस कटान की जो गहराई होगी वो होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर या 3 से 4 भी ले सकते हो, लेकिन जो जितनी आप इसकी कटान की गहराई रख रहे हो उतने की कटान जो गहराई है वो भी आपको किसकी रखनी है, सांकुश शाखा की रखनी है। इतनी रखनी है सांकुश शाखा की भी उतनी रखनी है। तो ये आपके वी आकार का, इसमें भी आप वी आकार का कटान बनाओगे और इस वी आकार के कटान में मिला के क्या कर दोगे, फंसा कर बांध दोगे, ये ऐसे करके और इसको मिला के बांध दिया आपने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। आ गया समझ में? जो फनी उपरोपण है, इस फनी उपरोपण में मैंने आपको कटान का जो आकार है वो बता दिया, लगभग लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास आप रख सकते हो। उसके बाद बात करूं मैं नेक्स्ट नंबर 5वीं विधि काठी उपरोपण। नंबर 5 पे आता है अपना काठी उपरोपण। यहाँ भी कुछ भी नहीं करना, ये भी बहुत सिंपल है। वेज ग्राफ्टिंग की उल्टी, यानी वेज ग्राफ्टिंग के विपरीत जो क्रिया करोगे वो विपरीत क्रिया कौन सी कहलाती है, काठी उपरोपण। विपरीत क्रिया करने का मतलब यहाँ पर आप ये आकार का कटान बना रहे थे, काठी उपरोपण में क्या करोगे, उल्टे भी आकार का कटान बना दोगे। यानी जहां पर मूल व्रत में आपने भी आकार का कटान बनाया था ना, वैसा का वैसा ही आप क्या करोगे, मूल व्रत है उस मूल व्रत में क्या कर दोगे, उल्टे भी आकार का कटान बना दोगे, ठीक है। और सांकुश शाखा है उस सांकुश शाखा में भी क्या करोगे, उल्टे भी आकार का कटान ही बनेगा ऐसे। अब इसको क्या करोगे, इसमें मिला के बांध दोगे। ये क्या होता है, आपका काठी उपरोपण होता है। दोनों विधियां बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ओनली और ओनली कटान का आकार जो आकार है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मूल व्रत में यहाँ पर वी आकार का कटान बनाया था, यानी जो मूल व्रत और शंकु शाखा थी, या किसमें, वेज ग्राफ्टिंग में, और यहाँ पर काठी उपरोपण में हम क्या कर रहे हैं, उल्टे वी आकार का कटान बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 6 बगली उपरोपण। बगली का मतलब बगल, साइड ग्राफ्टिंग। नंबर 6 पे हमारे पास में कौन सी आ गई, बगली उपरोपण, या इसको हमने क्या कह दिया, साइड उपरोपण। बगली उपरोपण या साइड उपरोपण। बगली उपरोपण का मतलब कोई साइड में आपको कटान लगाना है, कुछ भी नहीं करना, किस कटान कैसा भी बना सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि वो वी आकार का कटान हो, बिल्कुल साइड में आपको क्या करना, कटान बनाना है। और कटान बना के जैसा कटान आप मूल ग्रंथ पे बना रहे हो वैसा का वैसा कटान आपको किसमें बनाना है, शंकुश शाखा में बनाना है, और उसके बाद में आपको ये क्रिया करनी है। ये विधि है वो आम और काजू में यूज में ली जाती है। इसमें ली जाती है, एक तो काजू में यूज में कर सकते हैं और एक आप मैंगो में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंगो के लिए बहुत से आप मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आता है इपिक होटाइल नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 पे हमारे पास में क्या आ गया, एपिक ओटाइल, या जिसको हमने क्या कहा था, स्टोन ग्राफ्टिंग कहा था। आम के लिए काम में ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एपिक ओटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। एपिक ओटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग है, देखो इस विधि में हम क्या करेंगे, जो मूल ग्रंथ है उसकी एज थोड़ी कम रखेंगे। तो यहाँ पर आप बताओगे कि मूल ग्रंथ की उम्र 1 से 1.5 माह है, क्या बताना है आपको, मूल व्रत की उम्र बतानी है कितनी, 1 से 1.5 माह, यानी जो आप मूल व्रत काम में ले रहे हो वो ज्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 1 से 1.5 माह होनी चाहिए। लेकिन जो सांकुश शाखा है वो सांकुश शाखा वो 3 से 4 माह पुरानी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया सांकुश शाखा 3 से 4 माह पुराने, 3 से 4 माह पुरानी सांकुश शाखा हम इसमें काम में लेते हैं। देखो जो एपिक ओटाइल है, इस एपिक ओटाइल का प्रयोग महाराष्ट्र, जो भी कोंकण क्षेत्र है किसका, महाराष्ट्र का, उस महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में इसका यूज किया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ये क्वेश्चन निकलता है, पूछा जा सकता है कि एपिक ओटाइल या जो आपकी जो भी आपकी स्टोन ग्राफ्टिंग है, इस स्टोन ग्राफ्टिंग का प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको बताना है महाराष्ट्र के
जो भी कोंकण क्षेत्र है उस महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा। कटान होगा, कटान बिल्कुल वेज ग्राफ्टिंग के समान आप यहाँ पर लगा सकते हो। वेज ग्राफ्टिंग में क्या किया था, सिर्फ पर कटान बनाया था, तो वैसा का वैसा कटान आप किसमें बना सकते हो, एपिक ओटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग में बना सकते हो। और ये क्रिया करने का जो सर्वोत्तम समय होता है वर्षा ऋतु होता है, यानी जुलाई अगस्त होता है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। इपिक ओटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग में मूल ग्रंथ की उम्र होनी चाहिए 1 से 1.5 माह है, शंकु शाखा की उम्र होनी चाहिए 3 से 4 माह है। और इस विधि का प्रयोग यानी इपिक ओटाइल का जो प्रयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में किया जाता है। कटान है वो कटान किसके समान आ रहा है, वेज ग्राफ्टिंग के समान आ रहा है। कटान किसके समान आ रहा है, वेज ग्राफ्टिंग के समान आ रहा है। और यहाँ पर ये जो क्रिया होती है इपिक ओटाइल की वो कब कर लेनी चाहिए हमारे को, जुलाई अगस्त में कर लेनी चाहिए, यानी वर्षा ऋतु में कर लेनी चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 8 के ऊपर सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। देखो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग यानी इसको हिंदी में कह सकते हो मृदु शाख, क्या कह सकते हैं, मृदु शाख उपरोपण। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग यानी पहली चीज तो आप मूल व्रंथ जो तैयार कर रहे हो वो मूल व्रंथ आपको कहाँ तैयार करना है, फील्ड में तैयार करना है, खेत में तैयार करना है, ये क्रिया आप नर्सरी में नहीं करोगे। नंबर एक चीज आप सबके समझ में आ गई क्या, कि जो भी विधियां हम अपना रहे थे वो सारी के सारे हम क्या कर रहे थे, नर्सरी में कर रहे थे। लेकिन सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग की क्रिया होती है वो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग की क्रिया कहाँ होती है, खेत में होती है, जहां पर आपको क्या करना है, फिक्स पौधा लगाना, कि हम हमारे को अमरूद जो भी आम का पौधा है इस जगह लगाना है, उसी जगह आप क्या करोगे, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग का प्रयोग करोगे। नंबर एक चीज समझ में आ गई। नंबर दो चीज, ये क्रिया कब करोगे, तो जब हमारे को क्या करना है, यानी जो पत्तियों में क्या होगा, जो कलर होगा वो ताम्र वर्ण के समान होगा, थोड़ा ताम्र यानी पीला और लाल रंग लिए हुए होता है, जैसे नई वृद्धि करती है ना मैंगो, जब भी नई वृद्धि करता है उस समय पत्तियों में उसका कलर कैसा होता है, तो पीला, उसमें थोड़ा पीलापन भी लिया हुआ होता है, थोड़ा सा लाल रंग भी लिए होता है, यानी हम कह सकते हैं हल्का पीला, क्या कह सकते हैं, हल्का पीला। तो ये क्रिया आपको कब करनी है, जब हल्का पीला हो इसका कलर, तब आपको ये क्रिया करनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत आपको शंकु शाखा है, उस शंकु शाखा की यदि उम्र पूछिए तो शंकु शाखा आपको क्या करना है, 3 से 4 माह पुरानी लेनी है। कितने माह पुरानी लेनी है, 3 से 4 माह पुरानी लेनी है। ठीक है, शंकु मूल व्रंथ आपने खेत में तैयार कर लिया, उसके बाद में आपने शंकु शाखा ली, वो 3 से 4 माह पुरानी ले ली। कटान है वो कटान किसके समान, बिल्कुल वेज ग्राफ्टिंग के समान होगा। देखो वेज ग्राफ्टिंग के समान जो कटान आया वो अपने पास में कहां पर आया, यानी इपिक ओटाइल में भी हमने ये कहा कि वेज ग्राफ्टिंग के समान हम कटान लगा सकते हैं, उसके बाद में हमने सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग के लिए भी कह दिया कि वेज ग्राफ्टिंग के समान कटान लगा सकते हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि वेज ग्राफ्टिंग के विपरीत कटान हम कहां लगाएंगे, तो आपको बताना है काठी उपरोपण में लगाएंगे। कहां लगाएंगे, काठी उपरोपण में लगाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास में क्या आ गया, ग्राफ्टिंग की विधियां आ गई। आगे समझ में, चलो इसके बाद आते हैं बडिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का प्रयोग मैंगो, इपिक ओटाइल का प्रयोग मैंगो, इनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग मैंगो, तीन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आ गई आपके पास में। नेक्स्ट आया अपने पास में बडिंग, मैंने पहले ही बता दिया बडिंग या जो भी कलिकाएं है उसमें क्या कहा था, आरएस के साथ में आप क्या काम में ले रहे हो, बड काम में ले रहे हो, कलिका काम में ले रहे हो, क्रिया क्या कहलाती है, बडिंग या कलिकाएं कहलाती है। ठीक है, अरे बेर है, बेर में क्या करते हैं, रिंग बडिंग काम में लेते हैं, वले कलिकाएं काम में लेते हैं, छल्ला कलिकाएं काम में लेते हैं, बोलते हैं ना रिंग बडिंग को वले कलिकाएं कह सकते हैं, वले कलिकाएं को हम छल्ला कलिकाएं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जैसे आंवला है, उस आंवले में हम क्या करते हैं, पेच बडिंग काम में लेते हैं, ऐसे जो बीलपत्र है उस बीलपत्र में भी क्या करते हैं, बडिंग काम में लेते हैं, तो ये क्या होता है, बडिंग। तो यहाँ पर आपको पहला जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा कि जितने भी परिवर्तन की विधियां हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली विधि कौन सी है, बडिंग है सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि। देखो जितनी भी बडिंग की विधियां आए, जैसे कलम आ गई,
जैसे लेयरिंग आ गई यानी दाब कलम, जैसे ग्राफ्टिंग आ गई, जैसे बडिंग आ गई, चारों विधियों में से सबसे ज्यादा जो विधि काम में ली जाती है वो कौन सी काम में ली जाती है? बडिंग काम में ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं बडिंग की विधियां। तो बडिंग की विधियों में सबसे पहली जो विधि आती है टी बडिंग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सीड बडिंग के नाम से भी जानते हैं। टी बडिंग या सीड बडिंग कुछ भी नहीं, देखो जो बडिंग है उस बडिंग में तो कुछ भी ज्यादा इजी वो है, हार्ड है ही नहीं, सिंपल सा कह रहा है, जैसा नाम आएगा वैसा का वैसा आपको कटान करना है। तो यहाँ पर आप कटान का आकार क्या बताओगे? टी आकार का कटान। किस प्रकार का बताओगे? टी आकार का कटान बनाओगे, यानी मूल व्रत में भी आप क्या करोगे? टी आकार का कटान बनाओगे, सांकु शाखा में भी आप क्या करोगे? टी आकार का कटान बनाओगे। ठीक है, तो वहां पर टी आकार का कटान बनाकर जो विधि आपने काम में ली वो कौन सी हो जाएगी? टी बडिंग या सीड बडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर भी एक चीज बतानी है कि जो भी बडिंग की विधियां हैं उन बडिंग की विधियों में सर्वाधिक यूज में ली जाने वाली विधि कौन सी है? टी बडिंग। परिवर्तन की विधियों में सबसे ज्यादा बडिंग, और बडिंग की विधियों में सबसे ज्यादा कौन सी काम में ली जाती है? टी बडिंग काम में ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस टी बडिंग का यूज हम कौन कौन सी विधियों में करते हैं, सॉरी कौन कौन से फल वृक्षों में करते हैं? तो यहाँ पर देखो जो मौसम भी है, हम माल्टा के लिए पढ़ लेते हैं, हम संतरा के लिए पढ़ लेते हैं, हम बेर के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है, आंवला के लिए पेच बडिंग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ टी बडिंग भी पता था ना, ये चीज थोड़ा सा अलग ही रखो। फिर यहाँ पर आलू बुखारा आ जाएगा, आलू बुखारा आ जाएगा, बेर है, इस बेर में रिंग बडिंग भी काम में लोगे और टी बडिंग भी आप काम में लोगे। उसके बाद में दूसरा हम विधि ले लेते हैं पे बंद कलिका या पेच बडिंग। दूसरी विधि हमारे पास में कौन सी आ गई? पेच बडिंग, या इसको हमने क्या कहा? पे बंद कलिकायन। पेच बडिंग या पे बंद कलिकाएं, देखो जो पेच बडिंग होती है उस पेच बडिंग में क्या करते हैं हम, जो कटान होगा वो कटान क्या करते हैं? चारों भागों में लगाते हैं, सॉरी तीन तीन भाग में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? यानी यहां पर ये आपका क्या है? मूल व्रत है। इस मूल व्रत में जैसे यहां से आपने काटा इसको, यहां से आपने इसको काटा और यहां से आपने इसको काट लिया, काट के फिर क्या कर रहे हो? इसको उठा रहे हो, छाल को उठा रहे हो। ठीक है, छाल को उठाकर ऊपर आपने कर लिया, हालांकि जैसे क्या कर सकते हैं, छाल को हटा भी सकते हैं। छाल को उठाकर जैसा इसमें जैसे आपने छाल हटाई है वैसा का वैसा ही हम क्या करेंगे? चिप बनाएंगे, कलिका वो बनाएंगे, पेच बडिंग बनाएंगे, पेच बनाएंगे, पे बंद बनाएंगे और इसमें क्या कर देंगे? लगा देंगे। तो ये क्रिया कौन सी होती है? पेच बडिंग होती है। उसके बाद आता है अपने पास में छल्ला कलिकायन। नेक्स्ट नंबर तीन पे छल्ला कलिकायन। छल्ला कलिकायन का मतलब रिंग बडिंग बोल सकते हो, वलय बडिंग बोल सकते हो, बात एक ही आई, तीनों नाम छल्ला कलिकाएं, रिंग बडिंग या वलय बडिंग या वलय कलिकाएं। देखो ये आपका क्या है? मूल व्रत है। इस मूल व्रत में आपने क्या किया? एक वलय यानी छाल उतार के वलय तैयार कर दी, ऐसे क्या कर दिया? यानी छाल उतार दी, छाल उतार के क्या कर दी? वलय तैयार कर दी। अब आप क्या करोगे? यानी जो सांकुर शाखा है, सांकुर शाखा में क्या करोगे? ये आकार की राउंड आकार की छाल उतार दोगे, और इस राउंड आकार की छाल उतार के कहां पहना दोगे? इसमें पहना दोगे। ठीक है, और पहना कर क्या कर दोगे? इसको बांध दोगे। ये क्या होती है? छल्ला कलिकायन या रिंग बडिंग होती है। इसका यूज सबसे ज्यादा कहां किया जाता है? बेर में किया जाता है। कहां किया जाता है? सबसे ज्यादा बेर में किया जाता है। इसके बाद आता है चिप कलिकायन। नंबर चार चिप कलिकायन। मूल व्रत में आप क्या करोगे? छोटी सी कटान लगाओगे, कटान लगाकर उसका वो भाग निकाल लोगे, ऐसा ही यानी जैसा कटान वहां लगाया छोटा सा, वैसा ही चिप आकार का एक कटान ओढ़ यानी सांकुर शाखा में लगाओगे और उसमें क्या कर दोगे? ये जैसे आपका मूल व्रत था, इस मूल व्रत में हमने क्या कर दिया? उस चिप को डाल दिया। वो चिप क्या हो जाएगी? अंकुरित हो जाएगी। तो वहां पर हमने क्या कर दिया? उसको चिप कलिकाएं दे दिया। और उसके बाद में आता है नंबर पांच क्लैम बडिंग।
नंबर पांच पे हमने क्या कहा इसको फ्लैप बडिंग कहा। फ्लैप बडिंग में हमने जैसे पेज बडिंग में हमने काम लिया, पेज बडिंग में हमने क्या कर दिया जो पूरा पार्ट बाहर निकाल दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे छाल को ऊपर हटा देंगे और ऊपर हटा के उसके बाद में क्या करेंगे शंकु शाखा में भी कटान लगा के और क्या कर देंगे वहां पर लगा देंगे और उसके बाद में उस छाल को वापस हम क्या कर देंगे उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये क्या होता है फ्लैप बडिंग होता है। आ गया समझ में, ये आपके बडिंग की विधियां कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट एक हमारे पास में आता है विभाजन। क्या आता है विभाजन। विभाजन क्या होता है विभाजन। देखो कई जो फल वृक्ष होते हैं या कई पौधे होते हैं उन्हें कई पौधों में क्या होती है एक विशेषता होती है। वो विशेषता क्या होती है कि वो वृद्धि करता जाता है, वृद्धि करते करते क्या होते हैं क्या करता है अनेक पौधे विकसित करता है। वहां से उसको हमने अलग किया और अलग करके क्या कहा किया एक स्वतंत्र पौधे के रूप में लगाया। अरे जैसे हम क्या करते हैं अदरक होती है उस अदरक के यानी जो अदरक का जो होगा उसी के द्वारा वो अदरक क्या करती है वृद्धि करती है, वृद्धि करते करते क्या हो जाती है वहां से वो अंकुरित हो जाएगी तो उसको यानी हम क्या करेंगे एक नए सिरे के रूप में लगा देंगे, नए बाग के रूप में लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल और बता देता हूँ केला। केले में क्या करता है क्या करता है जो मूल व्रत होता है यानी जो भी आपका मेन अक्ष होगा मेन तना होगा उस मेन तने से क्या होगा कुछ अपस्थानी कलिकाएं निकलती है। क्या करते हैं कुछ अपस्थानी कलिकाएं निकलती है उन अपस्थानी कलिकाओं को हम हटाते हैं और हटाकर क्या कर लेते हैं नए पौधे के रूप में लगाते हैं जिनको हम सकर्स के नाम से जानते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं विभाजन कहती हैं। तो विभाजन के अंतर्गत पहली जो विधि हमारे पास में आई वो आई रनर्स या ऊपरी बुस्तारी। रनर्स या ऊपरी बुस्तारी। रनर्स या ऊपरी गुस्तारी। ऊपरी का मतलब मर्दा सतह से ऊपर। अरे मर्दा सतह से ऊपर फैलेगी और इसमें क्या होगी जो पर्वतसंधि होगी वो पर्वतसंधि जहां पर मर्दा के संपर्क में आएगी वहीं पे उसमें क्या होती है जड़ें विकसित हो जाती है। एग्जांपल हमने देखा यहाँ पर स्ट्रॉबेरी। क्या एग्जांपल देख लिया स्ट्रॉबेरी और दूब घास। ठीक है ये एग्जांपल हमने देखी। उसके बाद में नंबर दो के पास में आया हमारे पास में शकास या इसको हम कहते हैं अंतःपुष्पारी। सकर्ष या अंतःपुष्पारी। अंतः का मतलब मर्दा सतह से नीचे। आगे समझ में आपके मैंने क्या कहा था अभी कि मर्दा सतह से नीचे कुछ अपस्थानी कलिकाएं निकलती हैं। अपस्थानी कलिकाएं निकलती है उन्हीं अपस्थानी कलिकाओं के द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है तो हम उनको क्या कहते हैं सकर्ष या अंतःपुष्पारी कहते हैं। इसका प्रयोग जैसे हम क्या करते हैं अनानास में कर सकते हैं। ठीक है केला आ गया खजूर बोल सकते हैं। हालांकि खजूर के लिए ये चीज बिल्कुल इंपोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है। देखो कई बार क्या वैसे खजूर के लिए हम काम में लेते हैं ऑफशूट। क्या काम में लेते हैं ऑफशूट। लेकिन कई बार क्या होता है ऑफशूट ऑप्शन में नहीं आता उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है सकर्ष करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही क्योंकि कई बार क्या करता है बहुत ज्यादा बार बात करता है 2018 सरप्राइज लेक्चर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया लेकिन वहां पर उसने क्या किया वहां पर उसने ये किया कि खजूर का प्रवर्धन सॉरी हाँ खजूर का परिवर्तन किया जाता है उसने सकर्ष भी ऑप्शन डाला उसने ऑफशूट भी ऑप्शन डाला। यदि ऑफशूट ऑप्शन में दे रहा है उस कंडीशन में आपको ऑफशूट ही आंसर देना है। यदि ऑफशूट वहां पर ऑप्शन नहीं हो उस कंडीशन में जाके आपको क्या करना है सकर्ष उसका राइट आंसर बताना है। ठीक है चल उसके बाद आता है नंबर तीन के ऊपर बुस्तारी। नंबर तीन के ऊपर हमारे पास में क्या आ गया बुस्तारी या इसको हम क्या कहते हैं स्टोलन के नाम से भी जानते हैं। बुस्तारी या स्टोलन। बुस्तारी या स्टोलन का प्रयोग हमारे पास में आता है जंगली स्ट्रॉबेरी और पुदीना। अरे पुदीना देखा होगा स्ट्रॉबेरी तो आपने नहीं देखा लेकिन पुदीना जरूर आपने देखा होगा जंगली स्ट्रॉबेरी और पुदीना। इनका जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है बुस्तर या स्टोलन के द्वारा होता है। नंबर चार के ऊपर हम ले लेते हैं ऑफशूट। जो आपके लिए खजूर के लिए बताया वही बता देता हूं ऑफशूट। ऑफशूट किस में काम में लेते हो खजूर में काम में लेते हो। कितना वजन होना चाहिए ऑफशूट का 6 से
से 12 केजी होना चाहिए। कितना वजन होना चाहिए ऑफशूट का? 6 से 12 केजी होना चाहिए। देखो ऑफशूट होता क्या है, ऑफशूट का मतलब है जो मेन तना है, जो मुख्य तना है, वो मुख्य तने के पार्श्व में से क्या होता है, कुछ अपस्तानी कलिकाएं निकलती है। क्या होता है? कुछ अपस्तानी कलिकाएं निकलती है मुख्य तने और मुख्य तने के पार्श्व से। उन मुख्य तने के पार्श्व शाखाओं को हम क्या कहते हैं? ऑफशूट कहते हैं। नंबर 5, शल्क कंद। नंबर 5 पे हमारे पास में क्या आ गया? शल्क कंद। शल्क कंद का मतलब जिनके ऊपर भी शल्क पाया जाता है, अरे आवरण पाया जाता है, आवरण जिससे आप प्याज खाते हो, प्याज के ऊपर क्या एक बारीक आवरण पाया जाता है और उसका जो ये वो है तना यानी मुख्य अक्ष, वो क्या होता है? एक तस्त्री नुमा होता है। क्या होता है? एक मुख्य तस्त्री नुमा होता है। तो शल्क कंद का प्रयोग हम किसमें करते हैं? या तो हम प्याज में कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? लहसुन में कर सकते हैं। लहसुन भी आपने देखा होगा, लहसुन में भी तो हम क्या करते हैं? जैसा का वैसा, जैसे प्याज में करते हैं वैसा ही लहसुन में करते हैं। नंबर 6, परकंद या राइजो। नंबर 6 पे हमारे पास में क्या आ गया? परकंद या राइजोम। परकंद या राइजोम होता क्या है, यानी ये एक परिवर्तित तना है। परकंद या राइजोम क्या है? एक परिवर्तित तना है जो क्या होता है, यानी जिससे हमारे को यानी उसका सॉरी परिवर्तित तना है जो क्या करता है, भोजन संग्रह करता है। और भोजन संग्रह क्या करके क्या होता है, थोड़ा फूल जाता है, जिससे अदरक हल्दी, ठीक है। तो परकंद या राइजोम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अदरक व हल्दी में करते हैं। कहाँ करते हैं? अदरक व हल्दी में करते हैं। उसके बाद आता है आकंद या ट्यूबर। नंबर 7, नंबर 7 पे हमारे पास में क्या आ गया? कंद भी बोल सकते हो, उसको जरूरी नहीं आकंद बोलो। कंद या ट्यूबर यानी ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तित तना है जो क्या होता है, भोजन संग्रह करके फूल जाता है। अरे जैसे आलू, देखा है आपने, आलू क्या है, एक प्रकार का परिवर्तित तना ही तो है। तो वो क्या करता है, भोजन संग्रह करके फूल जाता है ना, और उसके द्वारा उसमें क्या होती है, आंखें पाई जाती है। उन आंखों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, नया पौधा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आप बता सकते हो, डहेलिया। आलू और डहेलिया का प्रवर्धन होता है किसके द्वारा किया जाता है? आकंद या ट्यूबर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम ले लेते हैं इसके अंतर्गत घनकंद, या जिसको हम कहते हैं कॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घनकंद या कॉर्म। जो घनकंद है या कॉर्म है, ये इसका जो तने, ये भी क्या है, परिवर्तित तना है। इसमें क्या होता है, जो तना का आधार है वो आधार फूलता है। तने का क्या होता है, आधार फूलता है, और आधार फूलकर क्या करता है, समतल यानी एक समतल वृद्धि नहीं करता। यहां हम ये कह सकते हैं घनकंद या कॉर्म है, ये एक समतल वृद्धि नहीं करता। जैसे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ग्लेडियोलस, फूलों के अंतर्गत तो हम ले लेते हैं ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, घनकंद या कॉर्म के द्वारा किया जाता है। सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है घनकंद या कॉर्म के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं जमीकंद। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, जमीकंद। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन प्रवर्धन की नई विधि जिसके द्वारा लाखों की संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन का यूज किस में करते हो, तो आप यानी यहाँ पर केले में भी हमने इसका यूज किया है, हमने इसका यूज पपीता में भी कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग खजूर में भी करते हैं। यहाँ पर बात करूं कि उत्तक संवर्धन के द्वारा केले की कौन सी वैरायटी तैयार की गई है, तो G9 वैरायटी यहाँ पर तैयार की गई है। टिश्यू कल्चर के द्वारा एक इसी टिश्यू कल्चर में एक आता है मेरी स्टेम कल्चर। मेरी स्टेम कल्चर यानी कहने का मतलब यह है, टिश्यू कल्चर या मेरी स्टेम कल्चर का मतलब कि वायरस रहित पौधे आप यहाँ पर
तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये आपका परिवर्तन कंप्लीट है। कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल बेझिझक आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट बचा वो लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।